टेक महिंद्रा ने अपना एनालिस्ट मीट रिसेंटली किया था, और उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, काफ़ी अच्छा फीडबैक लेके आए थे। इनफैक्ट यही नहीं, उसके नेक्स्ट डे हमने कुछ 5% का एक सर्ज भी देखा था स्टॉक में। तो एग्जैक्टली उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या थे, उस एनालिस्ट मीट में क्या मैसेजिंग दी है कंपनी ने, इसके बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ टेक महिंद्रा के ग्लोबल हेड रोहित आनंद जुड़ रहे हैं। रोहित, गुड मॉर्निंग, और ईटिन और स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जानते हैं कि बहुत एक्साइटिंग एनालिस्ट मीट आपकी कंपनी ने रिसेंटली की थी, और चार बड़े ट्रेंड्स के बारे में आपने डिस्कस किया था, कनेक्टिविटी, 5G, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड क्लाउड एंड इंजीनियरिंग। अगर आप हमें एक पहले ब्रॉड लेवल में बताएं कि ये आपने अराइव अपॉन कैसे किए हैं ये चार एरियाज ऑफ फोकस, और इनको आपको इन एरियाज ऑफ फोकस का क्या पोटेंशियल लगता है जो कंपनी को एकदम आगे प्रोपेल करेगा। हाँ जी, जरूर जरूर। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। जैसे कि आपने बोला, हमने अपना इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट पिछले हफ्ते किया था, तो ये एनुअल इवेंट होता है। कोविड के दौरान लास्ट ईयर ये टोटली ऑनलाइन हो गया था, और इस साल हमने थोड़ा से लोगों को होस्ट किया अपने कैंपस में एज पर कोविड प्रोटोकॉल, और बाकी लोगों ने ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया। सो इवेंट अच्छा रहा। मैं आपको थोड़े हाईलाइट देता हूँ। जैसे कि आपने बोला, कनेक्टिविटी, अगर आप देखिए हमारी हिस्ट्री, तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी में हमारी बहुत स्ट्रेंथ है बहुत सालों से। जैसे कि हम शुरू हुए थे महिंद्रा ब्रिटिश टेलीकॉम की लेगेसी से, उसके हमने सालों साल बिल्ड किया है, और टेलीकॉम और कनेक्टिविटी की स्पीड में हमारा एक्सपर्टीज इंडस्ट्री में काफी माना जाता है, तो वो हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। और अभी आप देखिए तो हर एक चीज कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़ रही है। अगर आप अपने अप्लायंसेस देखिए घर पे, अगर आप अपनी डिवाइसेस देखिए कम्युनिकेशन वाली, सब कुछ कनेक्टिविटी के थ्रू जुड़ रहा है, तो वो कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक्सपर्टीज हमारे पास की इंग्रेडिएंट है जो हमें लगता है कि हमारे को उससे फायदा रहेगा हिस्ट्री में भी, और जैसे हम आगे जाएंगे, तो एक वो पिलर हमारी स्ट्रैटेजी का काफी स्ट्रॉन्ग पिलर है। और अगर आप देखिए जो हमने बात करी है इस एक्सपीरियंस, अगर आप एक कस्टमर एक्सपीरियंस, जैसे कि स्टार्टअप्स दौर शुरू हुआ है कुछ सालों में, हमको सुविधाएं सब चीजों की घर पे मिल गई हैं, हमारा एक्सपीरियंस बेटर हुआ है एज अ कंज्यूमर। अगर आप देखिए वही एक्सपीरियंस अब सब बिजनेस एस्पेक्ट में भी मांगते हैं, अगर अपना बिजनेस में किसी को अपना सेल्स बढ़ाना है या कस्टमर्स को एक्सपीरियंस देना है, चाहे वो B2B स्पेस हो, उसमें भी लोगों को एक्सपीरियंस बेटर करना है, राइट? तो हमारा एक्सपीरियंस साइड में काफी एक्सपर्टीज है, जहाँ की हम पूरा अपना इंटीग्रेट करते हैं फ्रंट एंड सोल्यूशन को और कस्टमर के फाइनेंशियल सोल्यूशन को, उससे पूरा इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस आता है, और वो काफी लाभदायक रहता है कस्टमर्स के लिए। तो वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पिलर बन रहा है ऐसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा, आपने बहुत सुना होगा क्लाउड के बारे में, तो सारा जो कस्टमर जर्नी है वो क्लाउड में मूव कर रही है, जो कंपनीज को फ्लेक्सिबिलिटी देती है अपना एक्सपीरियंस अजाइल करने के लिए। तो वो सारा डेटा क्लाउड पर रिसाइड करता है, उसके लिए सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए नए एप्लीकेशन डेवलपमेंट चाहिए, और सारा लेगेसी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारा जो एक्सपर्टीज है वो हम अपने कस्टमर्स के लिए लाते हैं। सो वो एक इम्पॉर्टेंट पिलर और जर्नी फ्यूचर में रहेगा। तो अगर आप देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पिलर्स तीन बन जाते हैं। उसके अलावा हमारा इंजीनियरिंग में काफी तजुर्बा रहा है, हमने अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ, विदेशी कंपनियों के साथ काम किया है अपने हिस्ट्री में, और जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो इंजीनियरिंग भी काफी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो पहले इंजीनियरिंग फोकस मैकेनिकल पर रहता था, अब ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर से मशीन्स डेवलप हो रही हैं, सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट से मशीन्स बेटर होती जाती हैं। आप देखिए अपने फोन में भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड से आपकी फोन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, ऐसी सारे मशीन्स में सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट का फोकस बन रहा है, तो उसमें हमारी कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, और ये हमें लगता है फ्यूचर ट्रेंड रहेंगे, और हमने अपनी कंपनी को इन सारे ट्रेंड्स में काफी अच्छी तरह कैपेसिटाइज किया है ताकि हम इन ट्रेंड्स का फायदा उठा सके।
रोहित, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी थी कि जो आप अलग अलग डिवीजन बता रहे हैं और टिपिकली सब में ही ग्रोथ आप बता रहे हैं, ये मार्जिन्स फ्रंट पर कैसे रहने वाला है? क्योंकि आपका ग्लोबल बिजनेस भी है, डोमेस्टिक बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है, कुछ बड़े क्लाइंट्स भी आपके बुक्स में हैं, तो मार्जिन्स पुराने जैसे ही मेंटेन हैं कुछ, या फिर उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं? किसी में घटे हैं, किसी में बढ़े हैं, ऐसा कुछ? हाँ जी, जैसे कि आप हमारा पिछले 18 महीने का जर्नी देखिए मार्जिन्स में, तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा है मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट रहा है। पिछले साल अराउंड 260 बेसिस पॉइंट मार्जिन हमारा बढ़ा था। हमने ईबिट 14.1% पे क्लोज किया था। अगर आप देखिए इस साल 2 क्वार्टर के नतीजे जो बाहर आए हैं, उसमें हमने कहा था कि हम 15% के ऊपर रहेंगे और वही हमारे नतीजे रहे हैं दोनों क्वार्टर में। सो मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जबकि अगर आप इंडस्ट्री सिनारियो देखिए अभी, उसमें डिमांड तो बढ़ रही है बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन, लोग अपनी लेगेसी से नए एरिया में मूव कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स बहुत लोग ले रहे हैं। बट उसके साथ साथ स्किल्स और मैन पावर का काफी रिक्वायरमेंट बढ़ा है, जिसके दौरान कॉस्ट इंक्रीज भी आया है। सो वो कॉस्ट और वेज इंक्रीज जो हम कहते हैं अट्रिशन के साथ साथ एक प्रेशर क्रिएट करता है कॉस्ट साइड में। बट गिवन हम इस पहलू को नजर में रखते हुए हमने काफी प्रोडक्टिविटी इनिशिएटिव कंपनी में लॉन्च किए थे, प्रोसेस इंप्रूवमेंट लॉन्च किए थे, जिसका फायदा हम आप देख रहे हैं, जो इन सब फैक्टर्स को निगेट करके हमारा मार्जिन फिर भी बढ़ा रहा है। अब इसी जर्नी में हम कंटिन्यूसली, हमने यही मैसेज इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट में भी दिया कि हम ये जर्नी में कंटिन्यू करते रहेंगे। हमें लगता है कि हमें काफी एरियाज हैं जहां हम फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हमें मार्जिन में हेल्प करेगा। जैसे कि ज्योग्राफिकल मिक्स, अगर आप देखिए हमारा ज्योग्राफिकल मिक्स अमेरिकाज में थोड़ा कम है, हम उसको कंटिन्यूसली बढ़ाते रहेंगे। और सर्टेन बिजनेसेस जहाँ हमें मार्जिन या रिटर्न नहीं आते, हम उसमें कटौती करेंगे ताकि मार्जिन इंप्रूवमेंट बढ़ता रहे। तो ये कंटिन्यूअसली फोकस रहेगा हमारा, जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग मेट्रिक्स को बढ़ाने का और बिजनेस डिसीजंस जो कि मार्जिन को इंक्रीज करे जैसे हम आगे बढ़ते। राइट रोहित, कुछ आपकी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पढ़ रहे थे टेक महिंद्रा पे जो आई, क्लियरली ब्रोकरिंग हाउस मानते हैं कि आपके जो कम्युनिकेशन वर्टिकल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आप यहाँ कोई गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आपने लार्ज डील्स की बात कही है, आपने बोला है कि जो जिन चीज़ों पर मैनेजमेंट का फोकस रहेगा उनमें डील्स, लार्ज डील्स एक बड़ी वैल्यू रखती है। क्या यहाँ से आप कोई और इम्पोर्टेंट लुकिंग फॉरवर्ड रोड मैप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे कि आपने बोला कम्युनिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग वर्टिकल है, कंपनी का 40% बिजनेस वहां से आता है। जैसे कि आप देखिए अभी जो हम दौर में गुजर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। कम्युनिकेशन का पिछला वेव जो आया था वो 4G में था, अभी कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन में नया वेव जो आ रहा है वो 5G में आ रहा है। जैसे कि सारे जो कम्युनिकेशन प्रोवाइडर हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी हल्के हल्के करके चेंज कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस इस एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग है और हम इन सारी कंपनियों के साथ पार्टनर कर रहे हैं उनके नेक्स्ट जर्नी में। तो 5G के ट्रेंड्स पॉजिटिव लग रहे हैं। 5G दो और तीन एरिया में हम वहाँ काम करते हैं। पहला, जब जो कम्युनिकेशन प्रोवाइडर है वो 5G अडॉप्ट करते हैं तो हम उनकी जर्नी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। सेकेंड, जो सारे डिवाइसेस आप देखते हैं उनको 5G एनेबल बनाना पड़ता है, तो उसमें लैब टेस्टिंग और सारे एरियाज जहाँ की हमारा तजुर्बा काफी स्ट्रॉन्ग है इंजीनियरिंग की तरह से, उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं उन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ। और तीसरा, जो कि काफी लंबी दौरान रहेगा एक ट्रेंड, वो है जब 5G को एंटरप्राइज के कस्टमर अडॉप्ट करेंगे। जैसे कि आप देखिए हेल्थ केयर में, रोबोटिक सर्जरी में 5G के आने से लेटेंसी कम हो जाएगी और सारा टेक्नोलॉजी के थ्रू रोबोटिक सर्जरी काफी फास्ट हो जाएगी। तो 5G के यूज केस एंटरप्राइज में काफी लॉन्ग ट्रेंड में रहेंगे और उसमें हमारा एंटरप्राइज वर्टिकल्स जिसकी हम बात करते हैं भी हमारे लिए काफी बड़े हो गए हैं। BFSI जो बैंकिंग हम बोलते हैं, हाईटेक वर्टिकल जो हमने थोड़े साल पहले स्टार्ट किया था वो भी काफी ग्रो किया है हमारे लिए। अगर आप तीसरा देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल जहाँ हमारी स्ट्रॉन्ग लेगेसी है वो भी ग्रो कर रहा है। और चौथा, एक नया अपकमिंग वर्टिकल हमारे लिए हेल्थ केयर है, जहाँ कि आपने देखा कोविड के दौरान काफी हेल्थ केयर में ट्रेंड्स बढ़े हैं। तो
तो ये चारों के साथ कनेक्टेड टू कम्युनिकेशंस, ये तीसरा एरिया काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा जहां जब ये सारी इंडस्ट्रीज 5G के यूज केस को अडॉप्ट करेंगी अपने काफी एक्सपीरियंसेस के लिए फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट इंप्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट जो टाइम टू मार्केट हम कहते हैं. तो ये ट्रेंड्स हमारे को कम्युनिकेशन में फायदा देगा. राइट रोहित, इनफैक्ट इसके अलावा एक और बात जो बहुत ज़्यादा पसंद की इन्वेस्टर्स ने, और वो है कि आप अपना 60% ऑफ ईयरली कैश फ्लोज आफ्टर स्पेंडिंग फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे देंगे, शेयर होल्डर्स को. थैंक यू वेरी मच अपनी स्ट्रेटजी आज हमसे डिस्कस करने के लिए, एंड गुड लक ऑन योर एंडेवर्स.